हेलो पवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लूकोमा। आज अपने टॉपिक है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा क्या होता है ये अपन पहले समझ लें कि जो अपनी आँख होती है इसके अंदर जो इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है, अगर वो इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है स्वेलिंग आ जाती है आँख के अंदर, आँख का अंदर प्रेशर बढ़ जाता है जिसको अपन ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये जो ग्लूकोमा होता है जनरली दो टाइप का होता है, एक विट्रस ह्यूमर पर डिपेंड करता है, एक एक्वस ह्यूमर पर डिपेंड करता है। मतलब अगर विट्रस ह्यूमर का अमाउंट बढ़ा और प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये जो यहाँ पर आयरिस है यहाँ से जो आंसू का लेग्रीमस फ्लूइड का सेक्रेशन है वो कम हो जाता है। जब लेग्रीमस फ्लूइड का सेक्रेशन कम हो जाता है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, लेग्रीमस फ्लूइड का सेक्रेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से इंट्राऑक्युलर प्रेशर हो जाएगा। दो मेन रीज़न होते हैं ग्लूकोमा के, एक तो इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है विट्रस ह्यूमर का, और दूसरी ये बात होती है कि इसका सीक्रेशन भी कम हो जाता है, तो इनडायरेक्टली अंदर जो अमाउंट होता है इनका वो बढ़ता जाता है। बाकी जनरल आँख का आपको डायग्राम बनाना रहेगा, इसके अंदर आपको इंटरनल में विट्रस ह्यूमर बताना, बाहर एक्वस ह्यूमर, ये लेंस है, तो एक प्यूपिल अपना कॉर्निया और यहाँ पर ऑप्टिक नर्व से। जब अपन जनरली फंक्शन क्या होता है तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो लेंस पे आता है, लेंस से उसका जो इमेज होती है वो यहाँ इमेजिंग बनती है रेटिना पे, रेटिना उसको ट्रांसफर करता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक, और वो ब्रेन में जाके फिर वो इमेज का फॉर्मेशन होता है जो अपन को दिखता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोमा दो टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा और दूसरा होता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है वो विट्रस ह्यूमर के प्रेशर बढ़ने की वजह से होता है, और जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है वो किसकी वजह से होता है, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से। तो ये होगा ग्लूकोमा के बारे में। इसका ट्रीटमेंट अपन बताएं, सिम्टम्स तो आपको पता है, आँख के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, इचिंग होगी कि आँख के अंदर ब्लड विजन हो जाएगा, और लास्ट में अगर ग्लूकोमा पड़ गया तो आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं। लास्ट में उसका ट्रीटमेंट मान के चलो तो सबसे बेटर ब्लॉकर यूज़ कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स यूज़ कर सकते हो। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स जैसे लेटानोप्रोस, तो लेटानोप्रोस क्या करता है, जो प्रोडक्शन होता है एक्वस ह्यूमर का वो कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका इंट्राऑक्युलर प्रेशर कम हो जाता है। बाकी ये जो अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है जिसका नाम है ब्रोमाडायोल, उसका भी काम ये होता है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम कर देते हैं, और ये क्या करते हैं यहाँ पर प्रेशर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है जाता है और ग्लूकोमा ट्रीट हो जाता है। तो ये जनरल इसका इंटरव्यू था, इंट्रोडक्शन था ग्लूकोमा का। अगर आप लोग ग्लूकोमा सच में समझ आए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, इसके आगे अपन उस पर डिटेल वीडियोस बना लेंगे, और जो टॉपिक आपको समझना है वो बता दें कमेंट करके, तो अपन उसको भी आगे समझ लेंगे।